ये जो रोड है देख लो, यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी हाई विराज। जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है और कुछ ये लोकेशन है और ये पार्टनर, ट्रिप पार्टनर आ गया दोनों आपके सामने। पार्टनर इन क्राइम। तो अभी हम किश्तवाड़ पहुंचने वाले हैं और ये अच्छी सी लोकेशन हमें दिख गई रास्ते में, तो हमने सोचा कि उन्हें ब्लॉग स्टार्ट कर लें। इधर हवा थोड़ी चल रही है, इसी वजह से आवाज़ थोड़ी कम आएगी, लेकिन आप पीछे देख लो झरना बह रहा है। ये चनाब दरिया, इसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा साफ। तो यहीं से हमने सोचा 10 मिनट यहाँ लेंगे, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बड़ी है, गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड का काम लगा है। तो अभी निकलते हैं आहिस्ता से, निकलते हैं। अर्जुन भैया का थोड़े तो आप बयान क्या बोलना चाहते हैं, बेस्ट है की बात बोलना, बेस्ट है यहाँ का, फिर निकलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। तो आज हमारी जर्नी का सेकंड डे है, हम यहाँ कहाँ पहुँचे हैं, सिंथन टॉप वाले रोड पे। तो यहाँ की किश्तवाड़ से बाहर आके कोई 10 किलोमीटर तरह की कुछ लोकेशन है। ये नीचे आप देख सकते हो जो है, क्या ये चंद्रभागा, चंद्रभागा जो लाहौल स्पीति से होते हुए आती है, और जहाँ पे आपको ये दिख रहा है यहाँ से ये फिर चिन्हा बन जाता है आगे। यहाँ पे मर्ज होती है कि ये और एक वो राइट से आ रही है और नाला जैसा है, यहाँ से आगे इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। और अगर आप देख पा रहे हो इसके कैमरे से, तो पार जो रोड दिख रहा है ये सिंथन टॉप वाला रोड है जो कि बाईपास कर रहे हैं। और जो इस तरफ आप देख पा रहे हो ये कौन सा पाडर वाला, पाडर क्लिफ हैंगर वगैरह, पांगी किश्तवाड़ वाला जो हिमाचल में निकलता है, ये उस साइड वाला रोड है। होप सो हम भी कल परसों यहाँ के लिए निकल पाएंगे, देखते हैं। और अभी ऊपर देखो अभी भी बर्फ दिख रही है, ये और ये फ्रेश है, अभी 2-3 दिन पहले ही पड़ी है। और यहाँ का जो मौसम है स्वेटर डालने वाला। हम लोग ऐसे छोटे पहन के आए हैं, रात भर ठंड लगी थी। ये रोड जहाँ से हम आए थे, अभी हम ये वाली गाड़ी लेके आए हैं क्योंकि वहाँ गलियाँ छोटी छोटी, तो वो गाड़ी वहीं पार्क कर दी है। और ये लोकल ट्रांसपोर्ट फोर्स के, क्या नाम है इनका, गुरखा तूफान, ये देखो यही है, पावर बड़ी है इनमें, लेकिन तूफान क्रूजर पावर बहुत होती है, भी ब्यूटी देखो यार सामने वाले पहाड़ दे। अभी हम वापस जाएंगे, इनको रास्ता दिखाएंगे एक, वो जो बढ़िया था जंगल के बीच में से, कौन सा जहाँ से हम आए अभी, हाँ वो दिखाएंगे, अभी वो दिखाएंगे। ये देखो बर्फ इस टॉप पे भी आपको दिख रही है, तो थोड़ी सी दिख रही है। ये हमारे मोहित भाई हैं यहाँ के लोकल, हमारे आज के गाइड भी हैं। और ये भाई इनका क्या नाम है, ये पंकज भाई हैं, ये भी लोकल है। तो अभी हम ये ऑस्ट्रेलियन फॉरेन से आए थे, फॉरेन आ रहा, कल हमें किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हेलो, तो अभी आए हो, अभी जाएंगे थोड़ा नीचे तक क्योंकि जहाँ पे वो चनाब का ओरिजिन है, क्या बोलते हैं इसको, मिलते हैं चनाब और वो जो दूसरा वाला नाला भंडारकोट किश्तवाड़, वहाँ तक जाएंगे फिर वहाँ से वापस आएंगे। ये जो रोड है देख लो, यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, सामने भी रोड के काम लगे हुए हैं, डेवलपमेंट तेज है। तो यहाँ से देख लो, अगर 2-3 साल तो ये देख लो आगे से आ गई गाड़ी, यहाँ रिवर्स करना पड़ेगा। ये अक्सर पहाड़ों में देखने को मिल जाती है ये सिचुएशन, स्पीति वाली साइड भी बड़ा है, वो वहाँ पे भी सेम ही है।
वाला आगे वाला बोल रहा अब नहीं आना, रिवर्स नहीं करूंगा। तो ये व्यू चेक करो यार, पहाड़ों में चलने का रिस्क ही रहता है वहां, लेकिन इसी में एडवेंचर है। ये हम कभी-कभी आते नहीं। हमें मजा आता है। रोज चलते हैं क्यों मोहित भाई? उतरे थे हम टॉप से घूम घूम के नीचे, यहाँ साले फिर पेड़ है, वहाँ पेड़ भी नहीं दिखते हैं। वो नंगे पहाड़ है, नंगे पहाड़ है, स्टार्टिंग में तो मजा आता है, फिर बंदा ना थोड़ी, लेकिन थोड़ी देर होती नहीं है, भी तो रोड मतलब पागल हो जाता है, पहले आए कहाँ है यार। सो फाइनली पहुंच गए हम भंडारकोट, ये वो पॉइंट है जहाँ एक साइड मंदिर है और एक साइड मस्जिद है। सो भाई ये है चनाब, ये नीचे वाला और सामने से आ रहा दूसरा नाला, तो यहाँ पे दोनों दरिया मिलते हैं। चनाब में बेसिकली पानी कम हो गया क्योंकि पीछे प्रोजेक्ट चल रहे हैं डैम के, एक तो डूल हस्ती है और एक और बन रहा है अभी, तो डूल वालों का भी वो डूल से पानी घुसता और किश्तवाड़ शालीमार जाके निकलता आगे। तो अभी हम जाएंगे मंदिर वाली साइड, गाड़ी कर दी हमने पार्क यहाँ पे, ये देखा। तो ये मंदिर के अंदर है यहाँ पे ना, ये भोलेनाथ का स्टैचू बनाया हुआ है और ये बौली टाइप ही है, एक नीचे से निकलता है पानी, कुंड कुंड टाइप है ये, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये सब जो ये पानी की व्यवस्था की हुई है ना, अच्छा अच्छा, ये खाने पीने का दान बनाया हुआ उनका, ये सब उसी टाइम के लिए। अच्छा ये चंद्रकांत शर्मा जी, इन्होंने मंदिर बनाया था वो वाला। आज वैसे भी शहीदी दिवस है, ये है पुण्य आत्मा चंद्रकांत शर्मा जी, इन्होंने यहाँ रातों रात मंदिर बनाया था और ये प्लेट पे पूरा इनका बायोडाटा लिखा हुआ है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और ज़ियारत हो गई चंद्रकांत जैसे, इन्हीं के जैसे बंदे हैं जिन्होंने किश्तवाड़ को आज तक बचा के रखा हुआ है, ये तो इधर मिलिटेंसी इतनी थी ना। चलो आज हम भी धन्य हो गए इनके स्टैचू के दर्शन करके। हाँ अंदर लोकल कोई नहीं हो साथ तो फिर कहाँ पता चला। हमने भी क्या ही देखा था, हमने भी यही देखा कि बार बार से देखा था, वहां से चले गए आगे सिंधन टॉप। अगर हम आते भी तो हमने भी यही करना था, अगर खुद अकेले आते। ज़ियारत कौन सी पार? अच्छा अच्छा, ये बजरंगबली जी का स्टैचू। हाँ पापा बोल रहे थे ना मेरे। सो ये ज़ियारत है, ये पीर बाबा जी की जगह है और काफ़ी मशहूर जगह है यहाँ की भंडारकोट की, तो यहीं से हम माथा टेक लेते हैं पीर बाबा जी को, रक्षा करना सबकी। और ये चनाब है जी, ये देख लो, और इधर कितनी डेप्थ होगी पानी की किसी को नहीं पता, क्या पहाड़ काट काट के ये दरिया आया हुआ है। और ये यहाँ से रेत का काम चल रहा है, मेहनत लोगों की, ये जब पानी बढ़ता है तो रेत इधर आगे फंस जाती है। एक तो इतनी शांति है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, मजा आ जाता है। और वो ऊपर दिख रहा है आपको रोड क्लिफ हैंगर वाला, वहीं से जाते हैं पार्डर पांगी किश्तवाड़ वैली, किश्तवाड़ तो यही है पांगी वैली। चलो जी अब निकलेंगे वापस, तो किश्तवाड़ सिटी भी आपको थोड़ी सी दिख जाएगी।
हमारे ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, तो अच्छी अगर जगह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो भी इधर आना चाहता है, इस ब्यूटीफुल जगह को देखना चाहता है। और ये पहाड़ देखो कैसे कटे हुए हैं यार पानी के साथ। इस कैमरे में ये दिख रहा है, कैमरे में ये पहाड़ पानी के साथ कटे हुए हैं ये, और इतना अच्छा डिज़ाइन बन गया हुआ है। ये कुदरत के नज़ारे हैं, वाओ यार। तो गाइस ये थे कुछ भंडार कोट के नज़ारे, धूप बड़ी तेज़ और ऐनक भी रह गई है। वो जो पीछे रोड जा रहा है ऊपर, वहाँ से हम जिग-जैग करके नीचे को आए हैं। ये लोकेशन देख रहे यार कितनी खूबसूरत है। वहाँ से फॉरेस्ट डिवीज़न मड़वा स्टार्ट हो जाता है पुल के उस साइड से, इस साइड किश्तवाड़। तो यही है यहाँ का, काफ़ी शांति है। ये देखो जी वो पार फॉरेस्ट की पोस्ट है, फॉरेस्ट डिवीज़न मड़वा। मड़वा यहीं से शुरू होता है, लेकिन मड़वा है बड़ी दूर है। और ये मंदिर है जय श्री नील गंगेश्वर, ये नील गंगेश्वर जी का मंदिर है, ये शायद भैरव जी का। और तो अभी निकलते हैं यहाँ। इस लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये जबरदस्त जंगल है। ये आ गया किश्तवाड़ का चुगान, और ये वो हमारे देश का तिरंगा बड़ा है ना साथ में, साथ दियार है, चिनार है। ये किश्तवाड़ की रौनक है, ये चुगान है ना। ये वो दरिंदा है जिसकी शादी हो रही है किश्तवाड़ में, ध्यान से देखो इसका चेहरा करो कोई और कुछ, बस इतना ही। ये हमारा हमारे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में दो चीजें मशहूर हैं शाम साहब, वो क्या क्या है दो चीजें कौन सी हिंदुस्तान में दुनिया में मशहूर है? कौन सी है? एक वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल, दूसरा अपने ज्वाले का बेल।